नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीता कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चलिए अभी हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आज की संभाषण बहुत ही अच्छा होने वाली है। तो मैं अभी नए लोग भी आए हैं, कोई सपना शुक्ला जी आई हैं, सपना शुक्ला जी करके कोई ज्वाइन हुई है, कृपया अपने बारे में बताइए। सपना शुक्ला जी अगर आप सुन पा रही हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। आप कहाँ से हैं मैम? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और आप आज जुड़ी हैं? हाँ सर। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए तो सब लोग जानेंगे ना कि आप कौन है, फिर क्या कभी पेशेंट रेफर करना हुआ तो पता चलेगा कि आप इधर हैं, बताइए तो। सर मैं यूपी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल और पंचकर्मा सेंटर है। कहाँ पे? यूपी में कानपुर के पास में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है औरैया करके, वहाँ पे। अच्छा, तो कानपुर में हमारी डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी भी हैं। अच्छा। आप शायद नहीं जानती, अभी मिलेंगी वो, सुबह कल मिलेंगी माधव निदान क्लास में, बहुत अच्छी मैडम है। Okay, आप ना सुबह माधव निदान क्लास में आएंगी, अष्टांग हृदय क्लास में आएंगी, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना बढ़िया संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत में हम लोग सब ऐसे डिस्कस करते हैं, इतना मजा आता है ना, ऐसे लगता है कि हम पुराने वैदिक काल में चले गए। तो सपना जी, आप मतलब कितना साल से प्रैक्टिस कर रही हैं? सर मैंने आयुर्वेद तो अभी 2 इयर्स से स्टार्ट किया है। हाँ जी, के पहले एलोपैथी प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब प्रैक्टिस हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ था, बेबी छोटी थी तो उतना ही होता था। हाँ तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप आयुष दर्पण से कैसे जुड़ी? आयुष दर्पण से सर वो लाइक कोरोना टाइम में वो वीडियोस वगैरह देखे तो अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। फिर वो शिल्पा मैम के क्लासेस तो मैं करती रहती हूँ, स्त्री परिचर्य वाला जो होता है। हाँ, तो फिर शिल्पा मैम तो बहुत अच्छी मैडम है। हाँ, फिर वो फेसबुक पे ये वाला सेशन भी देखा तो फिर आपको कांटेक्ट किया जुड़ने के लिए। तो आप अभी हमें ये बताइए, क्योंकि अभी हम संभाषा करते हैं, इसमें हम नए नए केस और पुराने केस पे डिस्कस करते हैं, सक्सेस स्टोरीज फेलियर स्टोरीज सब हम डिस्कस करते हैं, तो आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं आप थोड़ा बताएंगे सबको? सर, कि किस तरह से पेशेंट आते हैं, आप क्या दवाई देते हैं? गायनेक ऑप्स के पेशेंट रहते हैं, पीसीओडी, फाइब्रॉइड और इनफर्टिलिटी वगैरह के। अभी अच्छा। मैं उतने अच्छी तो नहीं हूँ प्रैक्टिस में, बट क्लासेस करके सीखती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ अच्छा करने की। बताइए सक्सेस स्टोरीज जो आपने ठीक किया है, वो आपका अचीवमेंट पूरी दुनिया देखेगी अभी सुनेगी।
सर मेरे 2-3 पीसीओडी के पेशेंट्स ठीक हुए हैं। हाँ कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, सिर्फ शमन औषधि और योगा और डाइट से। तो क्या दिया आपने, किस तरह से आपने डायग्नोस किया, क्या हेतु था, सब बताइए ना। हेतु लाइफ मतलब रूटीन, लेट से उठना, फिर प्रॉपर फूड नहीं खाना, मींस बाहर का खाना ज्यादा खाना, फैटी फूड्स वगैरह। हाँ तो पेशेंट को बोला कि घर का खाना खाना है, प्लेन फूड खाना है, बहुत ऑयली वगैरह नहीं खाना है। हाँ, साथ में मॉर्निंग में योगा करने के लिए बोला, थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम और थोड़े आसन वगैरह, भुजंगासन वगैरह, और मेडिसिन में कांचना, गुगुल, अशोकारिष्ट, वर्णादि कषाय, आरोग्यवर्धिनी, ये सब मेडिसिन दिए थे। और जिधर पित्त वगैरह की साथ में तकलीफ थी तो सुशेखर और अभिपत्तिकर के साथ में अनुलोमन और पित्त शमन के लिए दिया था। उतना ही सर। अच्छा तो और क्या मतलब, और क्या दवाई देती हैं, हम आपको और बताएंगे। सर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं देती होगी, मतलब थोड़ी ओपीडी रहती है, बहुत रश नहीं रहता है। बाकी मेरे हस्बैंड भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही हैं, तो अभी उनके सीकेडी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं तो वो स्टडी करके स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अभी लाइक एक पेशेंट है, उसको स्पॉन्डिलोसिस है, तो उसको तिक्तशीर बस्ती स्टार्ट किया है, लक्षादी गुगुल और ये अस्थि पाचकवटी वगैरह पे स्टार्ट किया है पेशेंट को। तो 3 डेज पंचतिक शीर बस्ती जाने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ है पेन में। कम होता है ना? हाँ सर होता है कम। अच्छा। बस्ती से जल्दी रिजल्ट मिलता है, बस्ती से आता है ना। हाँ सही बताया आपने। और वो इंटरनल दवाई में क्या देती हैं आप? इंटरनल में सर एक केके वटी करके है, उसमें पूरा नवा गुपशूर बात नहीं है, सबको बताना ही पड़ता है, यह हमारा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ अगर डिस्कस करेंगे तभी ना 10 लोग आपको भी बताएंगे, आप भी सीखेंगे बताएंगे, ऐसा होता है। हाँ और वो सर वितरादि काढ़ा तो कुछ बात नहीं, हम लोग तो अपना सब सब नॉलेज सब शेयर करते हैं। नहीं सर मेरा ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। मैंने तो अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है प्रैक्टिस स्टार्ट करके। हाँ तो क्या देती है इंटरनल दवाई? इंटरनल लाइक ऐसे स्पॉन्डिलोसिस वगैरह का पेशेंट रहा तो आभा गुगुल, लक्षादि गुगुल। हाँ और नहीं मैं सीकेडी के पेशेंट बोल रहा हूँ, किडनी डिजीज में क्या इंटरनल? उसको सर वितरादि काढ़ा दिया है एक। हाँ और चंद्रप्रभा वटी दिया है, केके वटी दिया है, और बाकी कषाय में मिक्स करके दिया है पुनर्नवा गुगुल, कांचना गुगुल और त्रिफला गुगुल। अच्छा तीनों भी मिक्स करके दिया है और थोड़ा सा ये अश्वगंधा स्टार्ट किया, अश्वगंधा और शिलाजी। अच्छा है ना, ठीक है। आपके पास कोई ऐसे केस आए जो आप सॉल्व नहीं कर पाती हैं तो आप हमसे बेहिजक पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ओके डॉक्टर सपना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल से खुशी हुई कि आप इतनी इंटेलिजेंट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है अभी डॉक्टर शशि तिवारी मैम आप हैं? शशि मैम खाना बना रही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं आप अभी खाना बना रही हैं तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं है, बोलिए सर। असल में मैं अभी ना बारिश हो रही है और मैं बाहर हूँ तो मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, इसलिए आपको शायद दिख नहीं होगा तमाशा का कुछ भी, तो हाँ। आप संभालेंगी? आप संभालेंगी? हाँ जी सर, मैं संभालती हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, लेकिन आप थोड़ा संभालिए। आज अर्शिया मैम भी है को-होस्ट और प्रभाती भी है, आप लोग थोड़ा संभालिए, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं फिर ज्वाइन हो जाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। बाहर ड्राइव कर रहा हूँ ना, बाहर हूँ अभी। हाँ जी हाँ जी सर, कोई बात नहीं, आप पहुंचिए। सर अभी अनुरिता मैम, गुड इवनिंग। अनुरिता मैम मैंने आपको कुछ बोला था आप वो बात भूल गई, कुछ मैंने बोला था आपको, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैंने आपको कुछ बोला था स्ट्रिक्टली। ठीक है शशि मैम आप कंटिन्यू।
हाँ जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को अपना कोई केस बताना हो, कोई किसी को सक्सेस स्टोरी बतानी हो या कुछ पूछना हो मैम लोगों से, तो प्लीज बोलिए। हेलो मुझे, हेलो मैम, हेलो मैम। जी हाँ जी मैम, बोलिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी मैम, मुझे लास्ट टाइम जो एक केस के बारे में बोलना था तो सर ने बोला था कि थोड़ा सा और ठीक से डिटेल में केस लीजिए मैम, उस बारे में बात करना था। हाँ जी मैम, रश्मि मैम आप बताइए प्लीज। जी मैम, पेशेंट है ओबेसिटी वाले, वैसे उनको मतलब टू वीक से उनको बेचैनी सी थी और नींद भी नहीं आ रही थी मैम, वो पेशेंट तो वो जब चेकअप कराने के लिए गए थे मैम, तो उनमें उनका बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है मैम उनको। लेकिन जो अब उनका हाल में वजन है मैम 90 kg, जैसे पहले वो 1.5 महीने की मैम, हाइट उनकी 5 feet 10 inch है मैम। 5 feet 10 inch, ओके, मतलब 10 से 15 kg ज्यादा है, ठीक है। हाँ मैम जी, तो मैम उन्होंने फिर भी ये 1.5-2 महीने में शायद मैम थोड़ा सा डाइट करके कम खाना खा के 6 kg कम किया है मैम, ऐसा बता रहे हैं वो खुद। लेकिन किसी का मशवरा लेकिन मन से, आप पेशेंट से मिले हो कि नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं मैम, मैं मिली नहीं, सिर्फ फोन कॉल पे ही हुआ है मैम मेरा बात, क्योंकि मेरे दोस्त की पोस्ट। आपने मतलब वीडियो कॉल में पेशेंट को देखा है? नहीं मैम, वीडियो कॉल भी नहीं किया क्योंकि वो उस वक्त ऑफिस में थे मैम, सच कहूँ तो, फिर इसलिए मैंने बाद में भी बोलना था ना कि एक अपने खड़े खड़े मतलब खड़े होकर प्रॉपर एक पिक भेज देते हैं, तो उससे आपको आइडिया थोड़ा सा लग जाता है ना कि क्या ऐसा तो नहीं, कुछ लोग मोटे होते तो सिर्फ पेट निकल आता है, क्या पूरी बॉडी तो नहीं, मतलब पूरी जगह तो वेट नहीं, मतलब अगर प्रॉपर वेट गेन है, इम्प्रॉपर वेट गेन है या स्पेसिफिक वेट गेन है, तीन चीजों को भी। ही इज अ मेल ना मैम? जी मैम, मेल है। हाँ, तो वहां पर भी देखना होता है, कई बार मेल में भी इनअप्रोप्रिएट सी वेट गेन होते हैं मतलब कुछ एरियाज में, ठीक है। तो उनका मैम एज कितनी है? मैम उनकी एज है 38 ईयर। 38 एज है, ओके। सिटिंग जॉब है मैम उनकी? हाँ लगभग ऐसी। और मैम लेकिन खुद भी वो, जैसे मैंने बाद में पूछा कि इतना बढ़ने तक मतलब क्या था पहले वाला, कोई डाइट या कोई मतलब जैसे बीमारी वगैरह, तो बोले नहीं मैम मतलब बस सुखी प्राणी है, मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, आलस, उठना, खाने का टाइम नहीं है उठने का, बस दिन भर बैठे बैठे लेटे हुए टीवी देखना है या तो फिर खाते रहना है। मतलब वो बोलते थे कि मुझे भूख भी लगती थी इसलिए मैं खाता भी था मैम, उनका ये कहना है। तो फिर मतलब मैम हेतु कोई मतलब स्पेशल ऐसा, और अभी इन दिनों में मैम उनका नहीं, मैम ये सबसे बड़ा हेतु है, अगर आप एक्सेस खाओगे, और अधिकतर कई बार जो हम एक्सेस खा रहे हो तो सारी स्वाद वाली चीजें होती हैं, तो स्वाद वाली सारी चीजों का आपको पता है कि कैलोरी इनपुट अच्छा सा होता है, मॉडर्न के हिसाब से करिए, अपने हिसाब से सोचोगे तो सारे अधिकतर विरुद्ध आहार भी है, मैदा और इस तरह की चीजें होती है, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो सारी चीजें वेट गेन कराती हैं। तो ये तो मैम सबसे बड़ा हेतु होगा, अगर अध्यसन मिल गया ना, जो इंसान बार बार खाएगा तो आपको एक हेतु अध्यसन मिल गया, दूसरा हेतु मैम ये मिल गया कि उसके उनकी सिटिंग जॉब के अलावा स्टेशनरी लाइफस्टाइल भी है। आपको पता है कि सिटिंग जॉब वालों को वीक में 1 day कंप्लीट फास्ट होना चाहिए, कुछ उनको प्राणायाम योगा जरूर करना चाहिए, और जब इंसान बैठा रहता है ना खाली खाली मतलब खाली सा, तो कुछ लोग के अंदर क्रेविंग होती है, क्यों खाली बैठे हुए हैं तो उनको खाने पीने का शौक चढ़ा है तो वो खाते पीते रहेंगे। सही मैम, सही। मैम उनको पुरानी आदत भी थी, जैसे स्मोकिंग और ड्रिंक भी करते थे मैम शायद 12 साल से पहले भी। हाँ, तो मैम अभी थोड़ा कम किया है। नहीं मैम, सर ने बताया कि ऐसे तो तुम्हारे 100 निकलेंगे रश्मि, लेकिन तुम प्रॉपर केस टेकिंग लो, ऐसे मैडम ये सॉरी सर ने कहा था मैम उस दिन, तो फिर मैंने कहा तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा उनसे कॉल पे बात किया मैम, तो फिर ये बोले कि बस आलस खूब है, और अभी भी मैम स्टिल उनको बहुत आलस आता है, और अभी तो नी जॉइंट में पेन होता है और पैरों में, क्योंकि ओवरवेट है ना मैम, तो वो उस वजह से भी पेन कर रहा होगा मैम उनके पैरों में जैसे, और ऐसा है कि प्रसन्न बिल्कुल नहीं रखता है दिन भर, जैसे उनको आलस मतलब फ्रेश नहीं लगता है मैम बिल्कुल भी। हाँ, तो आम बहुत ज्यादा होगा ना, देखिए मैम पेन हो रहा है नी जॉइंट वगैरह में, तो वो भी एक चीज शो कर रहा है कि आम है उनके शरीर में। जी मैम, जी सही कहा। तो आम को भी देखना पड़ेगा, आपने उनकी वो सारी हिस्ट्री ली, कितने बजे रात में सोते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, दिवा शयन तो नहीं है, ये सारी चीजें लिया मैम?
हाँ मैम दिवस ऑफ तो नहीं है उनको क्योंकि थोड़ा जॉब में है ना थोड़ा सा बैठे नहीं, नहीं, जिस दिन छुट्टी रहती है बहुत सारे लोग की मैम आदत होती है जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन सोते हैं इसलिए तो वो पूछना है। दूसरी बात है अगर कोई सूर्योदय के बाद सोता है तो वो भी मैम दिवा शयन में आता है। अगर 8 बजे 9 बजे सोकर आप उठते हो वो भी आपका दिवा शयन में आता है तो वो भी चीज पूछिए। भूख कैसी है कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता मतलब पेट अच्छे से साफ होता है नहीं साफ होता है अच्छा तो गैस है एसिडिटी है कॉन्स्टिपेशन है नींद कैसी आती है गुस्सा कैसा आता है। नींद ही इन दिनों नहीं आ रहा है मैम उनको शायद ये 2 दिन पहले से वो तो अभी 2 दिन से मैं नींद की गोली लेके सो रही हूँ क्योंकि उनको हमेशा एंजाइटी हो रही है बार बार ये पहले भी होती थी बोलते फिर बीच में अपने आप कम हुई अब वापस से वो वही हो रहा है बता रहे थे मैम। मैम अभी आपने उनको दिया क्या क्या है। मैम अभी कुछ नहीं मैंने सोचा इधर ही पहले से उनको आपसे मतलब सर सर आपने ये प्लेटफॉर्म पे थोड़ा से मतलब कोई बात नहीं सर थोड़ा सा बिजी है नहीं मैम आप ही बता दें तो कोई नहीं मैम आप ही बता देंगे तो भाई ऐसा मतलब सोचा मैम प्लेटफॉर्म पे बता दें तो आप उनसे ना पहले अपना क्वेश्चन आंसर पहले तैयार कर लिया करो अभी अच्छा। जैसे कई बार होता है ना कि कई बार हम पेशेंट से ऑनलाइन कॉल मतलब जब ले रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम सारे सवाल पूछ नहीं पाते हैं या तो अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं जो सर की केस शीट है वो भेज दिया तो उससे भी और सारे भी हेतु निकल आते हैं क्योंकि जब तक आपने हेतु का वो नहीं किया निदान परिवर्जन नहीं हुआ तब से बार बार वेट गेन होता रहेगा। और आपको पता है जिन लोगों का वेट गेन हो जाता है तो उनका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल काम होता है टेढ़ी खीर होती है। अब जैसे मान लो मैंने 9 दिन फास्टिंग करी तो 9 दिन की फास्टिंग में मैंने कुछ भी पका नहीं खाया फ्रूट्स वगैरह थोड़े ही खाए उसके बावजूद भी सिर्फ 2 kg वेट लॉस हुआ ठीक। तो मतलब आप ये सिंपल सा समझो कि जो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं लंघन है तो लंघन को जब प्रॉपर तरीके से करेंगे और मॉडर्न वालों से सोच लीजिए तो हमारी अग्नि का कंसेप्ट है उधर BMR का है तो अगर हमारा BMR लो होगा तो उस केस में भी जो कुछ भी हम खाएंगे उसका वेट गेन होगा। तो मैम आपके पास भैषज रत्नावली है मैम है मैं डाउनलोड कर लूंगी मैम अच्छा डाउनलोड करूंगी नहीं मैं इसलिए कह रही थी कि जैसे भैषज रत्नावली में भी स्थौल्य रोगाधिकार है भाव प्रकाश में भी स्थौल्य रोगाधिकार है तो उन दोनों में पलट करके उसमें से भी आप कई सारे योग देख सकते हो। और सबसे पहले जितने उनके निदान है मतलब रात में जल्दी सोना है रात को लेट नहीं सोएंगे जो लोग मैम रात को लेट सोते हैं उनके अंदर भी वेट गेन बहुत होता है तो उनको बोलना है कि रात को आप जल्दी सोइए मतलब 10 बजे तक आप सो जाओ और सुबह कोशिश करके 5-6 बजे तक उठ जाना है। और ये जो आदत है ना मतलब कि आलसी पड़े रहना ये नहीं हर एक घंटे पर कम से कम 5 मिनट के लिए वॉक करने का बट मूव करने का है। और जो डाइट का है डाइट में रात के वक्त में कुछ भी ऐसा नहीं खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं खाना उसमें कोशिश करिए कि आप मतलब लोग चावल में दाल डालते हैं नहीं दाल में चावल डालकर खाना ये जो हिसाब किताब है आपको मालूम है कि मधुर जो चीजें हैं वो सारी चीजों का परहेज बहुत सारा करना पड़ेगा जो स्वीट्स आइटम है बेकरी प्रोडक्ट्स खास करके जितने मैदा वैदा है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और साथ में पेशेंट का एक बार चूंकि देखो लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह इफेक्ट हुआ तो पक्का सी बात है एक अल्ट्रासाउंड भी करा लो मैम ओके मैम क्योंकि मोटे लोगों में अधिकतर है और सिटिंग जॉब वालों में खास करके सिटिंग जॉब वालों में तो फैटी ग्रेड लीवर का 1 मिलता है अधिकतर अच्छा ठीक है हाँ तो एक अल्ट्रासाउंड भी आप करा लो क्योंकि जब ट्रीटमेंट करा चल रहा हो ना कई बार होता है पेशेंट कहता है नहीं जी हमारा रिपोर्ट तो ये था आपसे ट्रीटमेंट के बाद ये रिपोर्ट आया है तो आयुर्वेद में क्योंकि हमें मान लो कोई भी दवा चलानी होती है हम मान लो सिंपल आरोग्य वर्धिनी भी चला रहे हैं तो भी हमारे पास एक ब्लड की रिपोर्ट मतलब CBC RFT LFT लिपिड प्रोफाइल इतना रखना ही चाहिए अपने पास में। और चूंकि उनको नी पेन वगैरह भी हो रहा है तो आप सेफर साइड में चाहो RA फैक्टर और CRP भी करा लो और ESR तो करा ही लेना ये सारे यूरिन ये सब सारे एक ब्लड टेस्ट करा लिया करो कोई भी अगर न्यू पेशेंट है मैम तो आप एक तरीके से टेस्ट करा लोगे तो आपके पास कभी पेशेंट ब्लेम करे ना मान लो बाद में कोई टेस्ट कराया उसमें कोई रिपोर्ट गड़बड़ आई तो आप बोल सकते नहीं सर आपकी रिपोर्ट्स पहले से गड़बड़ थी मेरे ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पता है ना मॉडर्न वाले बोल बोल करके मेटेलिक प्रिपरेशन चलाते हैं आयुर्वेद वाले तो कई बार पेशेंट का ब्रेन वॉश हुआ पड़ा रहता है क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हो चुकी थी शुरू में तो मैं टेस्ट कराती थी मैं आरोग्य वर्धिनी चलाने से पहले भी मैं कहती थी नहीं मुझे एक टेस्ट चाहिए अपना आपका तो ये टेस्ट एक तो करा लो अल्ट्रासाउंड आप करा लो और आप उनकी एक डिटेल हिस्ट्री और लो और अभी तक तब तक आप चाहो तो ये सब मेदोहर गुगलू वगैरह चलाना है लेकिन पहले दीपन पाचन और लोमन को चला लो आप है ना दीपन पाचन और लोमन भी देख लो उनकी प्रकृति क्या है डिसाइड किया मैम आपने
मैम उनकी आवाज और इससे तो वो कफ प्रकृति की हैं, और जैसे कि ना मतलब नॉर्मली भी उनके क्या बोलते हैं मैम उनके मम्मी की तरफ से वगैरह भी वैसे ही स्वास्थ्य है सब लोगों का लगभग मैम। और खाने में घी और मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते मैम, लेकिन तला हुआ बहुत खाते हैं बोलते हैं, घी डाल के और मैम देखिए तला हुआ नहीं खाना, बट हमारे आयुर्वेद में घी हमें खिलाना है ठीक है, पर घी जिस फॉर्मेट में वो खा रहे हैं उस फॉर्मेट में हमें उनको नहीं खिलाना है, क्योंकि आपको पता है कि घी जो होता है मेधा अग्नि सारी चीजों को बढ़ाता है, तो घी तो हम खिलाएंगे लेकिन हम घी उस फॉर्मेट में नहीं खिलाएंगे जिस फॉर्मेट में वो खा रहे हैं आज तक, हलवा पूरी पराठे दिस दैट में, तो उसमें नहीं खिलाना है। और वैश्वानर चूर्ण वगैरह कोई भी मतलब एक दीपन पाचन लोमन तो मैम चला ही लो, और अगर बस्ती के लिए पेशेंट प्रिपेयर हो जाता है तो लेखन बस्ती दे सकते हैं अपनी जो त्रिफला उफला वाली है त्रिफला गोमूत्र के साथ में, और ये सर एक चीज बताते हैं सरचर तेल और सरसव तेल की बस्ती वो भी बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप बस्ती उस्ती देते हैं मैम? मैम देती हूँ लेकिन अभी पेशेंट तो बहुत दूर है, मैं अभी तो सोच रही हूँ नहीं तो फिर वही आप में से कोई अगर होगा तो मैम वहाँ वो करा लेंगे अभी तो वो, लेकिन कोई बात नहीं मैम, तो ऐसे केस में पहले तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज करो और उनको थोड़ा सा प्राणायाम योगा वॉक ये सारी चीजें करवाइए, और शुरुआत थोड़े थोड़े से करवाइए, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करेंगे डाइट में भी आपको पता है कि जो जो चीजें मना है जो खाना है ऑलमोस्ट सर का एक है अभी वेट लॉस वाला डाइट चार्ट है, उस डाइट चार्ट को फॉलो करवाइए तो वेट लॉस हो जाएगा, और धैर्य बोलिएगा रखने का, ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने में वेट लॉस वाला हिसाब तब नहीं चलेगा, और ना ही हम प्रोटीन पाउडर लेकर वेट घटाने वाले सिस्टम में है ये वाला नहीं चलेगा, जैसे पेशेंट क्या करते हैं ना कई बार प्रोटीन पाउडर लेकर वेट घटाते हैं तो हमारी किडनी इफेक्ट हो जाती है, तो ये सारे काम नहीं करना है, मतलब जो हमारा इंडियन खाना है इटसेल्फ उसकी जो तरीके हैं वो सबसे बोल सकते हैं बहुत अच्छी डाइट है, बट हम प्रॉपर अपना इंडियन खाना खाएं जिस स्टेट के हैं, और जहाँ पर जो पुराने थे वो बर्गर पिज्जा चाउमीन वाले हिसाब से वाले नहीं है, तो ये चीज भी आप कराओगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा मैम। और किसी को कुछ बताना हो तो प्लीज बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो वेट के लॉस को काफी कंसीडर करते होंगे, मैं तो मेनली योगा कराती हूँ मैम, मुद्रा वगैरह कराती हूँ वेट लॉस के लिए जो लोग आते हैं, तो आप वो चीज भी करा सकते हो कि सूर्य मुद्रा होता है उससे भी वेट लॉस होता है, तो आप सूर्य मुद्रा वगैरह करा सकते हैं, और सूर्य नमस्कार तो पेशेंट अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि मोटा होगा और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो शुरुआत के फर्स्ट पार्ट से आप योगा कराना शुरू करिए, प्राणायाम कराइए, आप बीपी वगैरह देख लीजिएगा क्या है, बीपी के हिसाब से उनका प्राणायाम आप डिसाइड करिएगा, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ करिए, और मैम उनको डिप्रेशन या एंजाइटी टाइप की चीज है तो आपको मेधा औषधियां भी देनी पड़ेंगी, जैसे आप मानस मित्र वटिका है मेधावटी है जो भी आप डिसाइड करोगे, लेकिन एक बार उनका और डिटेल हिस्ट्री आप लो, मैं तो यही कहूंगी क्योंकि कोई भी ट्रक चलाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, है ना जी मैम, तो ये चीज है मैम। अच्छा हाँ जी प्लीज कोई और बताए मैम, उस आपने जो टेस्ट बताया उसमें एक थायराइड भी ऐड करवा दीजिए। हाँ मैंने मतलब आपने मैसेज डाला है पढ़ा है मैंने। हाँ और वो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन वगैरह नहीं है मैम, बीपी शुगर दोनों भी चीज नहीं है। ओके ओके ओके। और आप रात में अगर उनको नींद नहीं आती है तो जटामांसी फांट पीने के लिए बोल सकते हो, बाकी मैम ने तो बताया मानसिक, तो आप और कुछ भी ऐड कर दीजिए, मानस मित्र वटक ग्रामी वटी या ऐसे कुछ भी, और अगर नींद नहीं आ रही तो उसके लिए जटामांसी फांट पी के सोए रात में, और बाकी तो हाँ जो होता है अपना त्रिफला गुगुड़ मेदोहर गुगुड़ आरोग्य वर्धिनी ये सब, और जो भी उनका आम पाचक वटी इतना आम दिख रहा है तो हाँ, और अगर और उनका पेट साफ होता हाँ तो त्रिफला चून भी ऐड करिए, वो भी लेखनीय है और ये अच्छा रहेगा उसके लिए भी। अच्छा मैम तो फिर मतलब गुगुल नहीं दूंगी ना, कि गुगुल भी दूं और त्रिफला चूर्ण भी चलाना है ठीक है, गुगुल चलाइए, पेट कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है ना उनको, नहीं है फिर रहने, हाँ फिर रहने दीजिए। अच्छा हाँ, और वो आरए टेस्ट वगैरह भी एक बार करवा लीजिए क्योंकि नी जॉइंट वगैरह लेग पेन हो रहा है ना, तो मैम ने जैसे बताया वैसे वो भी करवा लीजिएगा, बाकी मेदो और गुगुल त्रिफला गुगुल आप चकटे। हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ जी मैम, प्रणाम सभी को मैम, इसमें आरोग्य वर्धनी और महामंजिष्ठादि क्वाथ का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ओबेसिटी है तो हाँ आरोग्य वर्धनी अदरवाइज भी सेफ है, आम पाचन भी होगा और वो कर्षण भी लेखन भी करेगी, बट साथ में बाकी सारा कुछ तो है ही है जरूरी, जैसे इन्वेस्टिगेशंस भी हो जानी चाहिए और जो आपकी हिस्ट्री आपने लेनी है अच्छे से वो सारा। जी मैम
सकती, क्योंकि वातकफ प्रकृति होगी तभी हो वेस्टी तो तभी है ना। सही मैम, है मैम। और मैम अगर वो शोधन के लिए रेडी हो तो एक बार देखिए उनको, रेडी करिए, शोधन करने के लिए तो ज्यादा अच्छे से जल्दी से रिजल्ट मिलेंगे। और मैम ये एक मुझे वो अभी मैम ने जो बताया, एक मुझे समझ में नहीं आता आरोग्य वर्धिनी का ओबेस पेशेंट्स में खासकर, क्योंकि उसमें ताम्र होता है तो उससे भूख ज्यादा लगती है, आरोग्य वर्धिनी पाचन करके और भूख बढ़ा देती है, तो फिर ओबेस पेशेंट्स क्या है, भूख ज्यादा लगती है तो फिर वो खाना ज्यादा खाते हैं, फिर और मोटे हो जाते हैं। तो मुझे वही बस एक लगा रहता है, मेरे मन में डाउट होता है कि ओबेस पेशेंट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैम एक बात मैं बोलूंगी, मैंने बोला था, आप एक चीज अपने कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए, अगर पेशेंट को भूख नहीं लगती है तो कोशिश करिए, हालांकि पहले मेरा नियम ये रहता था कि ये लीवर को चूंकि हम कंसीडर करके किसी भी ट्रीटमेंट को करते हैं, लीवर अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तभी ऑब्वियसली बात है कि बीएमआर ठीक नहीं है, और उसकी वजह से मतलब या तो आप सिंपल वर्ड में समझो कि हमारा दीपन पाचन कार्यक्रम जो है सार्थक विभाजन ठीक नहीं इसलिए हो रहा है। तो अगर मान लो शंखवटी या लहसुन आदि बटी किसी की भी मैं बात करती हूँ, पेशेंट बोलता है जी मुझे भूख बहुत कम लगती है, आप खाने से पहले चला दो। अगर पेशेंट कहता नहीं जी मुझे भूख तो अच्छी लगती है बट कॉन्स्टिपेशन रहता है या भारीपन रहता है, फारा बनता है, ये होता है वो होता है, तो वहां पर मैम आप खाने के बाद चलाइए, क्योंकि जब आप खाने के बाद चलाते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर वो पाचन का कार्यक्रम करती हैं। कई सारे लोग का दीपन तो ठीक रहता है, मतलब भूख सही लगती है, पर आप डिटेल पूछोगे ना तो पाचन विकृति रहती है, मतलब पाचन में दीपन पाचन जो हम कहते हैं कि अग्नि को बढ़ाना है फिर उसको पचाना, तो आप खाने के बाद भी दे सकते हो आरोग्य वर्धनी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैम को मैंने बोला एक टेस्ट करा ले। और एक बात मुझे याद आ रही थी, सो मैंने कहा बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप जटामान से फांट वगैरह तो चलाते हो, पंचकर्मा के जो बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैम नाभि पूरण कराइए कैस्टर ऑयल से, तो कैस्टर ऑयल जो होता है कि आम पाचक भी है और कैस्टर ऑयल का बहुत सारे इफेक्ट आता है, वात शामक तो है ही ये चीज, तो कैस्टर ऑयल जब आप नाभि पूरण कराएंगी तो मौसम भी चूंकि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, और हमेशा याद रखिए कि कोष्ण तेल यूज करिए, हल्का सा गर्म करिए, कभी भी ये नहीं करना कि डब्बे से निकला है ऑयल हमने पेशेंट को डाल दिया है फिर वो आम को ही बढ़ाएगा, तो ये चीज नहीं करना। तो नाभि पूरण के लिए आप कोष्ण कैस्टर ऑयल यूज करिए जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो नाभि पूरण कराइए, एक पादाभ्यंग कराइए। पादाभ्यंग से भी क्या होगा मैम कि बहुत अच्छी नींद आती है, सरसों तेल का अगर पादाभ्यंग होगा तो कफग्न भी होता है और नींद बहुत अच्छी आएगी। तो रात को पेशेंट अपना 5 मिनट थोड़ा सा बोलो ऑयल लगाने का, 5 मिनट सिर्फ खुद से मालिश करने का, और हाँ जी मैम नस्य मैम जैसे अनिद्रा है उनको तो नस्य भी चलाए मैम क्या जरूरी है, तो ये चीज कराना खाने के शिरो पिचू के लिए आप ब्राह्मी घृत वगैरह यूज कर लो तो उससे भी उसको जो एंजाइटी लेवल में वो आराम आएगा, और नस्य के लिए देख लो क्या प्रकृति है, नहीं तो चाहो तो हफ्ते भर आप पहले शोधन नस्य चला लो और फिर उस पर शमन नस्य दे दो, तो देख करके आप अपना शोधन में चाहे षटबिंदु का ही 6-6 ड्रॉप ईच नॉस्ट्रल से शुरू कर सकते हो, तो ये चीजें कर सकते हैं। तो एक शोधन और समन्वय से मतलब आपने नाभि पूर्ण कराया, आपने पादाभ्यंग कराया, आपने शिरो पिचू कराया, आपने नस्य कराया, तो ये सारी चीजें मिलकर बहुत, और सारे काम पेशेंट को बोलो खुद करने का, मालिश कोई और नहीं करेगा आपका, बिकॉज क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई दूसरा जब आलसी है तो ये करेंगे नहीं मैम, करना खुद है, उनको बोल दो कि जब आप किसी और को करते, कोई और आपको करता है अगर उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं, और दिस इज द फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि इसका 100% साइंटिफिक फैक्ट है, अगर सामने वाला बंदा थका होता है तो आप अपनी थकान आपके अंदर डाल देता है, अपना एंजाइटी, अपना स्ट्रेस, सारी चीजें, क्योंकि जब आप टच किसी को करते हो तो टच के थ्रू एनर्जी और ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म में कहीं पर भी मूव करती है। इसीलिए पुराने जमाने में जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे देखते थे किसी को टच नहीं करने देते थे, तो लोग कंसेप्ट नहीं समझते थे, कंसेप्ट का मतलब होता है अगर किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी है और उसने मुझे टच किया और मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ तो उसकी नेगेटिविटी से मेरी पॉजिटिविटी खत्म भी हो सकती है, या तो अपने आप पर इतना काम करो कि हम सराउंडिंग से मतलब मेरा ऑरा बन गया उसको कोई नहीं टच कर पाएगा, जैसे योगा में भी रूल होता है जब आप करते हैं तो आपकी मैट किसी से टच नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी किसी से टच नहीं होनी चाहिए, और आपकी मैट आपकी होती है, आप किसी और की मैट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पंचकर्मा वगैरह में भी थोड़ा सा ध्यान कराकर जब मैम कराएंगे, और आप पेशेंट को बताइए ना अगर 2 फायदे तो उस 2-4 फायदों का पैसे बताइए, क्योंकि आपने जब बताया ना तो जितनी बार यूज करेंगे तो उसके दिमाग में होगा अच्छा ये फायदे होते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छे से वो एक्सक्यूट होकर के आएगा, तो उसकी एंजाइटी इन चीजों से ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। मेडिसिन तो आप दे ही रहे हो नो डाउट, और सर जो कहते हैं मर्म कराने के लिए तो मर्मा पॉइंट कराइए,
जैसे कुरपर मर्म जो होता है हार्मोनल वगैरह के लिए बढ़िया काम करता है, इंद्रवस्ती मर्म वगैरह होते हैं, इन सारे चीजों को जब आप करके करेंगे, मतलब कंबाइंड इफेक्ट पूरा प्राणायाम योगा आयुर्वेद मर्मा सारी चीजें, तो फिर मैम बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। आशा मैम कुछ बोलना चाहती है, प्लीज मैम बोलिए। गुड इवनिंग आशा मैम, आशा मैम का हैंड रेज हुआ है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग, कैसे? हाँ जी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बताया शशि मैम। एक्चुअली मैं केस पूरा सुन नहीं पाई, आई थिंक ओबेसिटी का पेशेंट है क्या? जी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके हाँ, तो इसमें तो आपने सबने बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए हैं, मेरी तरफ से सिर्फ ऐड करना था गंधर्व पृष्ठ हरि, मतलब ये वृद्ध पृष्ठ हरि तक की या अरण्य पृष्ठ हरि तक की, आप जैसे आरोग्य वर्धिनी चलाएंगी ना तो उसके साथ ये पृष्ठ हरि तक की का प्रयोग जरूर से कराएं। उससे क्या होगा, जो भी कोई दोष बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उसमें ये बैलेंस करता है हरितकी, और प्रॉपरली अगर आपके पेशेंट की प्रकृति है उसके अनुसार डिसाइड करिए। जैसे पित्त प्रकृति वाला है तो वृद्ध पृष्ठ हरितकी का प्रयोग काफी लाभ देता है, और वात्मक प्रकृति है तो उसमें एरन पृष्ठ हरितकी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, बाकी तो सब अच्छे से बताया है, और डाइट के लिए जो बताया है मैम ने वो जरूर से अच्छे से फॉलो करवाइए, और उसमें एक षडंग पानीय का भी आप ऐड करा सकती हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ना तृष्णा वेग या क्षुधा वेग प्रदीप्त करने के लिए ये षडंग पानीय बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, बाकी नस्य शिरोधरा पादाभ्यंग और बाकी सारे मेडिसिन ठीक है। मैम आपने एरन पृष्ठ हरित की बोला, लेखनीगढ़ का काढ़ा भी दे सकते हैं अनुपान में चाहे तो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप कांचनार की अगर आपको मिल जाए ये जो टहनियां होती हैं उनका काढ़ा बना के दे सकते हैं, वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा मैम, थैंक यू मैम, है ना। बाकी तो आप जो जी बताइए आशा मैम, आपने बोला एक एरंड भ्रष्ट हरित की और दूसरा क्या कहा? वही बताया मैंने, एक वृद्ध भ्रष्ट हरित की आती है, अच्छा गंधर्व हरित की जो बोलते हैं ना, जो वृत्त में सिकी हुई होती है, और एक आती है एरंड पृष्ठ हरित, गंधर्व पृष्ठ हरित की ऐसे कहा था मैम ने, मतलब गंधर्व हरित को ही वृद्ध पृष्ठ हरित की भी कहा जाता है ऐसे। और दूसरा नहीं मैम, सुनो सुनो मैं बता, नहीं ऐसे नहीं है, आप ऐसा करना कैस्टर ऑयल ले लेना, कढ़ाई में गर्म कर लेना और उसमें आपने हरितकी को डाल देना, तो जैसे आप अपनी पूरी फ्राई करते हो या कोई चीज फ्राई करते हो ना, तो आपने उसको फूल जाए तो वो आपकी बढ़िया से फूलकर बाहर निकल जाएगी। उसके बाद उसको कूट लो तुरंत तुरंत, जब अच्छे लेवल से कूट जाए तो बाद में मिक्सी में पीस लो, बहुत बढ़िया काम करती है, मैंने बनाया भी है। ठीक है, जैसे इन्होंने एरंड में बताया ना एरंड तेल में, उसी प्रकार से आप गौग्रुत में भी बना सकती हैं, आपके पेशेंट की प्रकृति क्या है उसके ऊपर आप डिसाइड करके फिर बनाइए। अच्छा मैम जी, जी मैम। और मैम उसके लिए बाल हरित के लिए मैम, नहीं वो जो सुरवारी हरडे होती है ना, छोटी जो आती है ना छोटी वाली, बाल हरित के लिए इसके लिए। जी जी मैम, आप कोई ले लेना जो आपको ठीक ठाक से मिल जाए अच्छी सी, उसको बस साफ सुथ कर लेना, धोना मत, धोने के बाद जब बनाओगे खराब हो जाता, मैंने एक बार बनाया है इसलिए मैं आपको बच्चा दे रही हूँ, अच्छा नहीं बन पाता है ह्यूमिडिटी रह जाती है। हाँ मैम मेरा खराब हो गया था इसलिए मैं बता रही हूँ कि बेस्ट तरीका है उसको साफ कर लो, मतलब जो भी कचरा है साफ करके धूप में सुखा लो उसको, पतला नाइलॉन का कपड़ा लेके उसके ऊपर डाल दो सफेद वाला, धूप में अच्छे से सुखा लो, फिर उसको आप कूट लो, या फिर जैसे मैम ने बताया हम लोग क्या करते हैं सेकते जाते हैं उसके अंदर ऑयल डालते जाते हैं तो धीरे धीरे फूलती जाती है। आप डायरेक्ट ऑयल में भी कर सकते हो, तल भी सकते हो, लेकिन इसको धीरे धीरे फुलाना है। मैम आप डालोगे ना 10-15 मिनट फूल जाता है, और मैं आपको बताऊं जैसे मुझे किसी ने कहा था कि बहुत ऑयल लेती है, बहुत ऑयल नहीं लेती है। अच्छा ये भी है, हाँ आराम से मान लो कि आपकी हरड़ अगर 1 kg है तो उसमें आधा kg भी कैस्टर ऑयल नहीं लगेगा, आप डाल कर देखना, एक साथ सारा मत डाल देना, हरड़ थोड़ा थोड़ा करके डालना क्योंकि कढ़ाई में पूरा रहेगा तो आप बनाइएगा बहुत अच्छा बनती है, और इससे जब विरेचन होता है ना तो पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होती है। बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे मान लो 10 मूला रिस्ट वगैरह आपने लिया ना कंबाइन तो उतना नहीं आता है, उसके साथ आपको सुकुमार घृत लेना पड़ता है, बट इसको आप अकेले भी लोगे और 1 चम्मच तो बहुत बढ़िया से गर्म पानी से ले लिया रात में, मतलब आपको घृत कल्पना या ऑयल कल्पना साथ में देनी नहीं पड़ेगी, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेडिसिन। हाँ और मैम घृत कल्पना वाला बना दिया तो और बढ़िया है ना। हाँ क्योंकि पेशेंट है ना कई बार लेते नहीं है, घी लेने में बहुत नखरे होते हैं पेशेंट के, तो ये एक अच्छा तरीका है। गंधर्व हरित के वाला ज्यादा बेटर रहेगा शायद, एरन तेल वाला, उसको पेन भी हो रहा है ना नी जॉइंट्स एंड लेग्स पेन वगैरह। हाँ जी मैम जी, से वो क्या प्रकृति क्या है, वात कफज है, कफ 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 है
और उनको मैम आलस तो है, साथ में ना जमाई बहुत आती है मैम, यॉनिंग बहुत होती है, बोलते कंटिन्यू दिन भर चलता ही रहता है, ये भी कहना मैम। बाद में आपको ना इनको पाचक भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जृम्भा था वातज ज्वर का पूर्व रूप है जितना मुझे याद है, ठीक है। तो अंदर ही ज्वर भी है हिस्ट्री में, वो ज्वर पता नहीं चलेगा, मतलब उसमें नहीं आएगा। तो आप बाद में पहले तो आम पाचक दे दो, फिर आप रस पाचक, रस पाचक ऐसे करके पूरा एक पाचक का सीरीज भी चला सकते हो इनके लिए अच्छे से। आम पाचक तो दे दीजिए, वो आम और आलस की वजह से भी वो होता है जृम्भा वगैरह। आशा मैम को केस कोई डिस्कस करना था, मैम ने ग्रुप में डाला है। अंजना मैम है क्या? अंजना मैम है क्या आज? वही मैम देख लूं मैं, क्योंकि अंजना मैम है तब तो आप पूछ पाओगे ना, नहीं तो फिर अपने डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलिए मैम, आप बोलिए। सर तो है ही एटलीस्ट, नहीं सर चले गए क्या फिर से? अभी सर आए थे। अच्छा कंचन मैम है, मैम बोलो आप। बहुत सारे मैम है, मुनिका मैम है, कंचन मैम है, बहुत सारा सनी मैम है, आप बताइए मैम। नहीं एक्चुअली डिस्टेंस पेशेंट है, मैंने अभी देखा नहीं है, आज ही मेरे पास केस आया, थोड़ा डिफिकल्ट केस लगा इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लूं उसको, फिर बाद में कंसल्टेशन के लिए लेती हूं। तो जैसे मैंने रिपोर्ट, 39 इयर्स अनमैरिड फीमेल पेशेंट है। अभी इसको ना यूटेराइन फाइब्रॉइड्स है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है और सबसिरोसल फाइब्रॉइड है, वो पोस्टीरियर वॉल पे लगे हुए हैं फाइब्रॉइड। ओके, उसमें क्या हुआ था ना कि उन्होंने सोनोग्राफी कराया था 3 फरवरी में, 12 फरवरी को, तो उसमें फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था 13-25 mm के साइज का सबसिरोसल फाइब्रॉइड। मैम साइज तो बड़ी है। हाँ 81 mm × 55 mm, मतलब 8 cm से 5.5 cm, ये देखिए ना यूट्रस बल्कि मेजरिंग 81 mm × 55 mm × 49 mm। मैम साइज काफी बड़ी है, अंजना मैम ही आपको बेटर बता पाएंगी मैम जितना मैं समझ पा रही हूं। 3 intramural फाइब्रॉइड्स भी हैं छोटे छोटे, वो भी 7-5 mm के थे। तो ये तो अपना फरवरी का था, फिर उन्होंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब उनको अच्छा लगा, मतलब उनका जो साइकिल था वो थोड़ा रेगुलर हो गया, इंटीवर्टेड मतलब जो था यूट्रस में थोड़ा हैवीनेस वगैरह लग रहा था वो भी ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने कराया है वापस से सोनोग्राफी अभी 3 तारीख को, उसमें ये साइज बढ़ के आया है, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बड़ी है, 10.8 हो गई है, आगे फेब में थी 8 mm। ओके, और यूट्रस की साइज भी बड़ी है, 101 × 68 × 56, दैट इज लेटेस्ट रिपोर्ट। और जो फाइब्रॉइड की साइज है, और मतलब हिस्ट्री आपने ले ली सारी? हाँ मैम हिस्ट्री ली है मैंने, लेकिन मैंने उनको पर्सनली देखा नहीं है, अभी मैं उनको कॉल पे बुलाती हूँ, आप उनको पूछ लीजिए आपको भी कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है मैम, तब ले लीजिए हिस्ट्री तो ले लिया जाएगा। हाँ मैम बुला लो प्लीज। ठीक है ओके, मैं थोड़ी देर में उनको कनेक्ट करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं मैम। अंजना मैम कहाँ रह गए? और चलो आकांक्षा मैम भी है, बहुत सारे लोग हैं, हो जाएगा मैम। और जब तक आशा मैम का कोई पेशेंट आ रहा है तब तक किसी और को कुछ पूछना हो या अपनी कोई सक्सेस स्टोरी डिस्कस करनी हो तो प्लीज बताएं। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी मैम बोलिए। मैम एक मेरा पीसीओडी का पेशेंट है, 19 इयर्स फीमेल है, सिटिंग रूटीन उसका ज्यादा है। पहले 3 मंथ्स पहले जब वो मेरे पास आई थी तो मैं रिपोर्ट्स बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो उसको लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है, तो मेडिसिन दिया उसको मैंने, एमिकॉर्डियल टैबलेट सिरप और कांचनार बुलबुल, कांचनार कषाय, अभिपत्तिकर शंकुवटी। तो 3 मंथ्स के बाद जब पेशेंट आई तो जो लेफ्ट ओवरी में सिस्ट थे वो तो पूरे रिजॉल्व हो गए, बट उसको राइट ओवरी में पहले से भी बड़े सिस्ट आए। जो कोई बात नहीं हो जाता कभी कभी ट्रीटमेंट में। तो मैम फिर क्या पहले आप मैम उसका बताओ, हेतु में सिर्फ यही निकला सेटिंग की और भी कुछ निकला बच्चे का? हाँ सिटिंग ज्यादा है, बाहर का खाना थोड़ा खाती है, बहुत ज्यादा नहीं, वीकली कभी वंस लिया तो लिया, राइस पेशेंट ऑलरेडी नहीं खाता था। बाकी कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा नहीं थी। ओके नहीं मैम आजकल देखो 18-19 साल की बच्ची है, तो या तो कॉलेज में होगी या तो प्लस टू वगैरह के आसपास का कुछ हिसाब का बन रहा है। तो एक चीज पीसीओडी के केस में जो मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा मुझे समझ में आता है, बच्चे का वेट कैसा है? वेट भी मैम थोड़ा ज्यादा ही है, 75 है, हाइट उसके अराउंड 5 फीट है।
हाँ तो मैम ये तो हद से ज्यादा वेट है, 5 फीट की हाइट में तो 50 kg भी वेट ज्यादा है, ठीक है। लगभग आप बच्चे के हिसाब से समझो, एक एज के बाद तो चलो तब पर भी तो 5 फीट में 50 kg तक वेट ठीक चलता है। बच्चे में 50 से ऊपर वेट है तो 25 किलो मैम ज्यादा है उसकी बॉडी पर, तो 25 किलो जब ज्यादा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम शुरू करेगा ही। तो एक तो मैम उसका वेट गेन बहुत ज्यादा है, दूसरी बात है एक चीज और देखिएगा, पीसीओडी की हिस्ट्री में अधिकतर स्ट्रेस भी रहता है, चाहे बच्चे हों चाहे लेडीज हों, स्ट्रेस फैक्टर होता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, चाहे आजकल बच्चे जो है फालतू की नौटंकियां बहुत करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो सब भी उनको बड़े ईगो प्रॉब्लम बहुत होते हैं, कभी मार्क्स को लेकर होगाता है कभी किसी चीज को, तो ये चीज भी निकालिएगा मैम प्लीज। हाँ जी मैम, उसको पूछा कि कुछ स्ट्रेस वगैरह है क्या, तो बोली नहीं कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है मुझे। मैम बहुत सारे लोग मना करते हैं उसको, ऐसे मत पूछा करो, ये पूछा करो आप पढ़ने लिखने में कैसे हो, कितने मार्क्स आते हैं, क्या उम्मीद करते हो, लोगों से ट्यूनिंग कैसी है, गुस्सा कितना आता है, गुस्से को पीते हो कि एक्सप्रेस कर जाते हो, दोस्ती कैसी है लोगों से, जल्दी दोस्ती कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्योंकि 19 साल के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सोशल लाइफ है कि नहीं है। कई सारे बच्चे आजकल मोबाइल के जमाने में पूरा रिजर्व होकर बैठे हुए हैं घर में, और वेट गेन तो है ही, मतलब वेट गेन तो आप समझ लो कि इसको मैथ की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं 100% वेट गेन होना, क्योंकि 50 का अगर 100 kg हो जाए तो उसको 200% बोलते हैं, और अगर मतलब जस्ट हाफ हो तो 100% वेट गेन है बॉडी के हिसाब से समझोगे तो वेट गेन तो बहुत ज्यादा है मैम, 75 kg और 5 फुट की हाइट में बहुत वेट है, तो इसकी वजह से तो 10 प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आप दीपन पाचन और लोमन चलाइए मैम फिर से, और अपना जो भी है वृद्धि वाटिका वटी ये सब सारी चीजें, और नहीं तो बस्ती वगैरह देना चाहते हैं तो फिर बस्ती उससे दीजिए। पेशेंट का मतलब 19 इयर्स फीमेल है तो वो रेडी नहीं है बस्ती के लिए, थोड़ा शाई नेचर होता है ना 19 इयर्स की एज में। वमन विरेचन, हाँ विरेचन के लिए प्लान कर सकते हैं, कर लीजिए। हाँ विरेचन त्रिफलाग्रित पान करवा के विरेचन करवाइए, वेट लॉस के लिए भी रहेगा। आकांक्षा मैम प्लीज आप बताओ, आकांक्षा मैम हेलो मैम, कोई कंचन मैम आप प्लीज बताइए, कंचन मैम हेलो, इसमें ग्रंथिरज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप पीसीओडी में, बच्चे में उसका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, और कुबेराक्ष बटी और जैसे उसे दिन में नहीं सोना और रात को जागना नहीं है ऐसे, ये वाला लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल इस एज ग्रुप के बच्चे का मोस्टली यही है कि रात को जागना है 12 बजे के बाद भी, और सुबह लेट उठना, या अगर कॉलेज गोएंगे तो फिर बच्चे दोपहर को सो जाते हैं आके, ऐसा ऐसा भी रहता है ना, इन चीजों को उनसे पूछ के थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं। और थायराइड और हार्मोन भी करवा लेना एक बार। हाँ वो थायराइड तो कराया था तो वो तो नॉर्मल था, मैं एक बार फिर से चेक करके फिर भी शेयर करती हूँ। ओके मैम। सपना मैम एक बात बताओगे आप, जैसे आपने पीसीओडी उनको बोला है तो क्या सिर्फ ओवरी में सिस्ट है कि हर्सुटिज्म वगैरह वाली भी प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बाकी कोई फेशियल हेयर्स कोई एकेंसिसिस वगैरह और कोई भी कंप्लेन नहीं है, पेशेंट जब आई थी मेरे पास तो उसको। और मैम पेशेंट की कंप्लेन क्या थी, ये तो हमने दुनिया भर की सारी बातें कर ली, पेशेंट की कंप्लेन क्या थी, क्योंकि पीसीओडी मान लो आपने कहा कि ये सिस्ट आया है तो आपके यूएसजी की रिपोर्ट हो गई, पेशेंट की कंप्लेन क्या है मैम? मैम जब भी पेशेंट फर्स्ट टाइम आई थी तो सिर्फ उसकी कंप्लेन थी कि उसको एमेनोरिया हुआ था 1 मंथ से, 10 डेज आगे गया था उसका मेंसेस, तो फिर मैंने पेशेंट को रज प्रवर्तनी बटी और दशमुलारिस्ट और एमिगोर्डियल सिरप दिया था, तो 5 डेज में उसको मेंसेस आ गए उससे, और तभी मैंने एमिनोरिया से पहले जो उनके पीरियड स्कैंटी तो नहीं थे, काफी टाइम से इरेगुलर तो नहीं चल रहे थे, ये सब पूछा था आपने? हाँ मैम सब पूछा, वो फर्स्ट टाइम ही मिस हुआ पीरियड इसलिए फिर वो आए थे, तो मैंने रजिस्ट्रॉन वगैरह कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया था और यूएसजी करने को बोला था, तो जब भी वो रिपोर्ट लेके आई 5 डेज के बाद तो उसको मेंसेस भी आ गए, रिपोर्ट में पीसीओडी आया। ओके सपना मैम आपने उनका लिपिड प्रोफाइल कराया है क्या? नहीं लिपिड प्रोफाइल तो नहीं कराया है। तो आई सजेस्ट कि एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर पीसीओडी की बहुत क्रॉनिक पेशेंट रहते हैं ना तो उसमें लिपिड प्रोफाइल भी एक बार चेक करा लेंगे, तो आपका लीवर का फंक्शनिंग कैसा है, क्योंकि बेसिकली इसमें रस रक्त मेद माद और सॉरी मास मेद धातु की दृष्टि है, तो आप लीवर फंक्शनिंग के लिए भी एक बार जरूर से LFT और सॉरी हाँ लीवर फंक्शनिंग टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल ये जरूर करा लीजिए।
ओके मैम, क्योंकि इसमें मेद धातु की दुष्टि है ना, तो ये देखना जरूरी है, क्योंकि आप बाहर से कुछ भी आप विरेचन कराएंगे, बस्ती कराएंगे, लेकिन अगर आपने यकृत पे काम नहीं किया तो कोई भी ट्रीटमेंट जल्दी इफेक्ट नहीं करेगी, राइट? हाँ यस मैम, ये तो है जी। मैं मेरा पेशेंट बुला लू मैम? हाँ जी, नीता पटेल जी, नीता पटेल करके हैं। हाँ जी नीता पटेल जी, अपना वीडियो ऑडियो सब ऑन करिए जी, उनको स्पॉटलाइट करना होगा ना, जिसको भी आता हो, मुझे तो नहीं आता स्पॉटलाइट कैसे करते हैं, तो प्लीज मोनिका मैम स्पॉटलाइट करें प्लीज। मोनिका मैम भी नहीं रहेगा क्या, चले गए क्या? सर तो हैं, सर का लग रहा है कि उसी पाठक सर प्लीज, लेकिन सर मैम सही है। हाँ सर है लेकिन सर होस्ट नहीं है, ऐसा कैसे? मैम उनको कर दिया मैंने। अच्छा हाँ स्पॉटलाइट कर दिया, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग नीता, नीता जी नाम है ना? हाँ जी नीता जी, नीता गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी मैम, चलिए बताइए आप अपने बारे में। નીતા બેન તમારી ઓડિબલ કમ્પ્લેન હોય ને એ બધી કહી દો તમે, બરાબર? શરૂઆત થી ઓકે, હા જૂન 2020 મે એક સર્જરી હુઈ થી ચોકલેટ સિસ્ટ કી। કિસ ચીઝ કી? ઓકે ચોકલેટ સિસ્ટ થી। હા ફિર સર્જરી કે બાદ 3 ઇન્જેક્શન દિયે થે હોર્મોનલ। ઓકે और फिर थोड़े मतलब थोड़े महीनों में ही मुझे धीरे धीरे पेन बढ़ने लगा। तो फिर मैंने मतलब मेडिकेशंस लिए आयुर्वेदिक, तो पेन मतलब दिसंबर 2021 से मैंने मेडिकेशंस चालू किए थे, तो पेन मतलब 50% हुआ था, रिड्यूस हुआ था, फिर भी ज्यादा था, बेड रेस्ट लेना पड़ता था। तो फिर 6 मंथ तक मेडिकेशंस पे रही थी, 6 मंथ तक, और मीनवाइल फरवरी में मैंने वो रिपोर्ट करवाई थी सोनोग्राफी। तो उसमें सिस्ट डिटेक्ट हुई थी, फाइब्रॉइड, सॉरी फाइब्रॉइड। तो वो 30x25 mm साइज की जो बड़ी थी वो एक थी, और बाकी 75 mm की 3 मतलब फाइब्रॉइड्स थी। फिर उन्होंने मई में एक बस्ती दी, नीरू बस्ती और अनु बस्ती जो होती है वो 8 दिन की। फिर कुछ मतलब मैंने फिर डॉक्टर चेंज किया, क्योंकि वो बहुत दूर था, तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर के पास मतलब ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने विरेचन कर्म किया जून में। और फिर जुलाई में उन्होंने पित्त क्षीर बस्ती किया 10 दिन। फिर अगस्त में ब्रेक था, और फिर सितंबर में फिर 10 पित्तक्षीर बस्ती दिया। और बीच में दवाई ली थी, लेकिन दवाई सूट नहीं करती थी वो मेडिकेशंस जो अभी पी थी, तो फिर वो बंद कर दी। और अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें वो साइज काफी बढ़ गई है फाइब्रॉइड। मैम ये तो सारी चीजें भी आपने बताया, मैं अगर ईमानदारी से बात करूं हाँ। तो सारी आपने ट्रीटमेंट मुझसे शेयर किया कि आपके क्या क्या ट्रीटमेंट हुए, क्या रिपोर्ट्स हैं। आप मुझे ये बताओ, ये जो चॉकलेट सिस्ट ऑपरेट करने की नौबत पड़ी, तो मुझे पहले आपको ये तो जानना है मेनार्की किस एज में हुई थी मैम, मतलब पीरियड्स कब आना शुरू हुए थे आपके? इट्स ऑन 13-14 इयर्स। ओके 14 इयर्स। आपको पीरियड किस एज में आना शुरू हुए थे? व्हेन यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड? 9th में। तो लगभग कितनी एज रही होगी 9th में आपकी? मैम 14 इयर्स बताया उन्होंने। 14 इयर्स। ओके चलो सॉरी मैं नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, मैम आपको पीरियड, जब आपको मैम पीरियड आना शुरू हुआ तो पीरियड रेगुलर रहते थे? हाँ रेगुलर रहते थे, लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हुई थी, 15 दिन तक पीरियड मतलब रहे थे तो ब्लीडिंग हुआ था, तो फिर तभी एक आयुर्वेदिक मतलब दवाई ली थी तो फिर ठीक हो गया था। नहीं तो ये जो 15 दिन पीरियड रहते, वो पीरियड जब शुरू हुआ उसके कितने दिन बाद का किया सही है?
एक साल के बाद शायद हो गया था। अच्छा। एक साल के बाद ऐसा हुआ था कि हैवी पीरियड आया था तो आपने मेडिसिन ली फिर ठीक हो गया। तो जो पीरियड आपको शुरुआत में आना शुरू हुआ था वो कितने दिन आता था मैम? शुरुआत में 2-3 दिन ही आता था। अच्छा, जब पीरियड शुरू हुआ था तो आपको 2-3 दिन आते थे पक्का? जी पक्का। आपकी क्योंकि मीनार्की में पीरियड ज्यादा लंबे आते हैं 39 के हो, इट मींस कि लगभग हमारे लोग के आसपास के इस ग्रुप में मतलब उधर में ही हो, तो उधर में तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या ये 2-3 डेज की आपकी फैमिली हिस्ट्री का मतलब मदर को भी ऐसे पीरियड्स आते थे कि आपको मदर ने बोला होगा कि नहीं बेटा कुछ कम दिन आते हैं इस तरह का कोई चीज? नहीं नहीं, मदर की हिस्ट्री मुझे नहीं पता है और ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था। फिर तो रेगुलर हो गए थे 3-4 दिन। चलिए कोई बात नहीं, ओके okay, फिर बाद में। तो मैम एक दिन में लगभग उस वक्त कुछ याद है कि पैड वगैरह कितनी बार बदलना पड़ता था या एक या दो दिन भर में काम चल जाता था, कुछ इस तरह का याद है? क्योंकि स्कूल में रहते हैं ना तो थोड़ा सा रहता है कि फ्रिक्वेंट होता है क्या है कैसा है थोड़ा सा। शुरू शुरू में तो बहुत मतलब नहीं था फ्लो, मतलब एक ओके दिन में 2 पैड ज्यादा से ज्यादा उतना ही था। ओके तो क्या आप बड़े कमजोर से दुबले पतले से थे, एनेमिक वगैरह तो नहीं थे? एनेमिक तो नहीं थे लेकिन पतली थी। अच्छा चलिए, तो ये मतलब उस टाइम भी आपका फ्लो कम था। तो ये जो बाद में चलिए, वो फिर कितने साल तक मैम आपके पीरियड ठीक रहे? मान लो 14 साल के से शुरू है, नाउ यू आर 39 ईयर ना? यस मैम। हाँ तो 14 ईयर्स की एज में जो शुरू हुआ था वो पीरियड कब तक मैम ठीक था, मतलब कब तक लगा आपको कि नहीं मेरे पीरियड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? 2017 के बाद मुझे ऐसा लगा कि पेन बढ़ रहा है और कुछ नहीं लगा था। अच्छा मतलब पीरियड में पेन शुरू से थोड़ा बहुत था, वो बाद में 2017 से बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या वो ऐसा था कि उसमें आपको दर्द की दवाएं खानी पड़ती थी, रेस्ट करना पड़ता था, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल इफेक्ट होती थी? पहले नहीं होती थी लेकिन 2018 के बाद मतलब 19 से बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट होने लगी थी, पेन बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो मैंने पेन किलर, जैसे 2017 में जब पेन शुरू हुआ तो क्या जाकर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को आपने कंसल्ट किया कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ अचानक? अच्छा कुछ नहीं किया क्योंकि सब ने बोला कि ऐसा मतलब पीरियड्स में तो पेन होता ही है। तो एक्चुअली शशि मैम शी इज अ टीचर, सो उनकी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक और स्ट्रेसफुल है, ट्रैवलिंग वगैरह भी ज्यादा रहता है इनका, तो इस वजह से थोड़ा पीरियड्स का ये सब जो ट्रीटमेंट में ना डिस्टर्बेंस आया है, इंटरवल आया है, आई थिंक उसकी वजह से ये सब हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस जो है। मैम पीरियड प्रॉब्लम की मेन जो मुझे समझ में आती है, हर जगह स्ट्रेस होता है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है, तो ये अलग बात है। क्योंकि पीरियड में चाहे पीसीओडी हो चाहे जो हो, कोई बोलता नहीं, बहुत सारे लोग कह देंगे जी हमें कोई स्ट्रेस नहीं, हमें पर पता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जैसे जो लोग बहुत होते हैं रैंक होल्डर, 1 आना ही आना है, 2 में कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है। तो कई बार एकेडमिक वाइज भी कुछ लोग बहुत प्रेशर लेते हैं, कई बार फैमिली वाइज बहुत प्रेशर होता है, कई बार लड़कियों को तो एक एक्सेस होता है कि हम सुंदर नहीं है, हमें और सुंदर होना है, ये मतलब बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। कह सकते हो कि क्योंकि हेल्थ के जितने पैरामीटर होते हैं ना, स्ट्रेस के भी उतने पैरामीटर होते हैं, कि फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल भी कई बार होता है, बहुत सारी वजह होती। तो हम तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब 17 में आपको हुआ था तो एक बार आपका बिल्कुल लोगों ने कह दिया नॉर्मल है तो आपने इग्नोर कर दिया है ना जी। फिर 2019 में मैम फिर डॉक्टर पास आप कब गए थे? नहीं मैंने 2018 से पेन किलर लेना शुरू किया खुद से। अच्छा, खुद से। फिर उसके बाद मतलब एक बता दूं मुझे आप एक चीज और बताना है कि मान लो साइकिल 3 दिन की हुई या 4 दिन की, तो उस दिन में 3-4 दिन में आपको कितना पैरासिटामोल लेने का लोड पड़ता था? पहले तो 1 या 2 लेती थी, फिर उसके बाद बढ़ता गया तो मैंने फिर वो चेंज किया दवाई। तो दूसरी एक दवाई होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं, मेफ्टाल्सपास आपने मुझे बताया था ना? नहीं वो भी अपनी मर्जी से कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला किसी आयुर्वेदिक? वो अपनी मर्जी से लिया। शशि मैम नॉर्मली ना यहाँ पे लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और उनको बोलते हैं कि भाई पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान, तो केमिस्ट पकड़ा देते हैं, मेफ्टाल्स पास बहुत कॉमन। मुझे पता है केमिस्ट यहाँ पर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास आने के बजाय उन्हीं के पास जाता है, तो मुझे पता है। बट बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो पहले डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने पूछा, बिकॉज यू आर अ टीचर एंड यू आर अ हाईली एजुकेटेड पर्सन, तो इस वजह से मैम। चलिए कोई बात नहीं, एक बात बताओ मैम,
जब आपको 2019 में बहुत दर्द होता था और आपने दवाएं लेना शुरू की, तो क्या उस वक्त याद है कि आपके जो पीरियड का कलर कैसा होता था? रेड रहता था, ब्लैक रहता था, उसमें मतलब थक्के बनते थे, रेड ही था, नहीं क्लॉट्स वगैरह कुछ था नहीं, मतलब रेड ही था वो, कभी चेंज नहीं हुआ कलर। और क्लॉट्स में क्या था, वो छोटे से कभी कभी होते हैं, वो नॉर्मल पहले से ही था, तो मतलब ज्यादा नहीं है, वो कंप्लेन नहीं है। अच्छा, नहीं क्योंकि जब आपका फाइब्रॉइड गया ना किस तरह की, अच्छा जब ये मान लो 2019 में, तो क्या कभी ऐसा हुआ 2019 में आपका फ्लो ज्यादा बढ़ गया था या फ्लो कम हो गया था, कुछ ऐसा कुछ कोई चीज हुई थी? नहीं नहीं, मतलब अनयूजुअल ऐसा कुछ फ्लो वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको पेन वगैरह कुछ हो रहा था, उसकी हिस्ट्री बताइए मीता मैम। नहीं पेन फिर 2020 में पेन बहुत बढ़ गया, तो मतलब जून में मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर तो उन्होंने सोनोग्राफी की, तो उसमें चॉकलेट सिस्ट आया, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा। ओके, उसके पहले आपको भूख वगैरह ठीक लगती थी? आपने खाना कुछ स्किप किया या फिर लाइफस्टाइल में रात को जगना या दिन में सोना ऐसा कुछ? लाइफस्टाइल में है थोड़ा, मतलब इंसोमिया का प्रॉब्लम है। Okay. वो बहुत पहले से है, जब मैं 15 साल की थी तब से थोड़ा है वो, और फिर योगा और वगैरह शुरू किया, उससे रिड्यूस हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ है, तो वो एक है। और ट्रैवलिंग वगैरह तो वो था ही, अभी कम हो गया है। मैम एक बात बता, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता था? हाँ कॉन्स्टिपेशन था, अभी भी है। अभी भी नहीं, क्योंकि देखो उसका रूट कॉज तो यही है, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहेगा तो भी पीरियड ठीक नहीं रहेंगे, और अगर किसी को नींद अच्छे से नहीं आती तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो मतलब ये सारी चीजें आपकी इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें कभी ये नहीं कोशिश किया कि अपनी डाइट अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो जाए? हाँ एक्सरसाइज और करती थी, योगा और एक्सरसाइज सब शुरू किया था, लेकिन वो ज्यादा उतना असर नहीं किया, क्योंकि फूड हैबिट भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती थी। कोई बात नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ कि 2020 में जब उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने ऑपरेट करने का, तो आपने ये नहीं सोचा कि वो ऑपरेट करना चाहते हैं? क्योंकि बॉडी के साथ कुछ भी सर्जिकल करने से पहले एक बार हम आयुर्वेद वगैरह में ओपिनियन ले लेना चाहिए कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मतलब हमने शमन चिकित्सा करी आई होती, ये ट्राई किया था? मुझे पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है, और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी उस टाइम पे, क्योंकि जब बॉडी को एक बार अंदर से छेड़ दो ना फिर बॉडी और खराब हो जाती है, जो मेरा अपना सोचना है, हो सकता है किसी का नहीं सोचना हो कि इमरजेंसी है तो आपको कराना ही, ऑपरेट अलग बात है, अदरवाइज जो चॉकलेट सिस्ट बना इस तरह की चीजें आपके एयरवे से कवर हो जाती तो फिर शायद प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं होती। चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा और उन्होंने डिसीजन लिया कि ऑपरेट कर देंगे, और ऑपरेट हो गया और फिर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसमें फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट तो ले चुके हो आप, विरेचन भी कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी एक कोर्स पूरा पूरा सही से नहीं चला है। एक्चुअली आई थिंक इन्होंने ना पथ्यापति का पालन नहीं किया है बीच में, जैसे आप मेरे को बता रही थी ना अनिता बेन, वो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, बस्ती और विरेचन के दरमियान आपको जो बोला गया था उसमें आपने कैसे पालन अच्छा, किया? वो भी गड़बड़ हुआ है। हाँ जी नीता जी, विरेचन तब तो मैंने मतलब पूरा पालन स्ट्रिक्ट था उस टाइम, लेकिन बस्ती में बीच में क्या गैप हो जाता था, तो रेगुलर बस्ती नहीं हुआ है, तो बीच बीच में छूट जाता है। और उन्होंने जो बोला था वो मतलब 80% तो मैंने किया था, लेकिन उन्होंने डिटेल में नहीं बताया था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मतलब आपने बीच में कैसे मतलब बाहर का कुछ खाया या फिर हैवी खाया, ऐसा कुछ हुआ था? बाहर का तो बहुत कम होता है अभी, लेकिन हैवी कुछ हो जाता है बीच बीच में, मतलब बस्ती के दौरान या बस्ती के बाद में जो संसर्जन कम होता है? बस्ती के दौरान भी हुआ था, क्योंकि बाहर ज्यादा रहना होता है तो अब मतलब खाना डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर बस्ती के दौरान भी हुआ था, मतलब बाहर का भी हुआ था और हैवी भी हुआ था। हाँ तो ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए बस्ती पंचकर्म जो है ना वो एक आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है,
उसके दरमियान आपको एकदम मतलब प्रत्यापति का पूरा पूरी तरीके से पालन करना रहता है। ये आपने नहीं किया है उसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो लेखन चिकित्सा बोलते हैं जिसमें ये आपका फाइब्रॉइड का जो स्क्रैपिंग करते हैं आयुर्वेदिक मेथड से, तो उसमें अगर आपने पूरी तरह से पालन नहीं किया तो वो एडवर्स इफेक्ट करता है। जैसे आपने बताया कि तिक्तक शिर बस्ती दिया गया है, तो तिक्तक शिर बस्ती बहुत अच्छी बस्ती है जो आपका लेखन भी करती है, ब्रूहण भी करती है, रसायन भी करती है, ठीक है। लेकिन इस दौरान कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से ये साइज बढ़ गया। ठीक है, अभी इस पार्ट को छोड़ देते हैं, अभी हम आगे क्या कर सकते हैं ये डिस्कस करना है। तो अभी आपकी लाइफस्टाइल बताइए कि आप सुबह से शाम तक क्या करती हैं, कैसे खान पीना, और मेडिसिन अभी आपकी कौन सी क्या चालू है। ठीक है, अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन तो सब बंद है, और लोअर वैली में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मतलब कैस या कुछ भी है तो वो कभी कभी पेन करता है। तो अभी मैंने एक एलोपैथिक डॉक्टर से मतलब दवाई ली है 15 दिन के लिए, तो उन्होंने बोला कि 15 दिन में अगर ये सब ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर सीटी स्कैन और कुछ टेस्ट करवाने हैं। और लाइफ स्टाइल में मतलब सुबह चॉप मतलब होता है, बताया है तो उन्होंने कुछ बताया कि फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या ऑपरेट करेंगे कि ऐसा कुछ बताया? कुछ नहीं बताया उन्होंने, बोला अभी देखिए कि मेडिसिन का क्या असर होता है उसके बाद आगे का सोचेंगे, ऐसा बोला। क्योंकि वो पास्ट जो हिस्ट्री है वो सर्जरी की जो है उसकी वजह से शायद कुछ हो सकता है, ऐसा भी बोला है। नहीं, क्योंकि आपसे मेरी सुबह बात हुई तो आप बता रही थी ना कि हिस्टेरेक्टॉमी के बारे में थोड़ा वो लोग बता रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, तो ऐसा बताया है क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बताया है, फाइब्रॉइड के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला है कि सर्जरी कराना पड़ेगा। ओके, सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, ऐसा गायनेक ने बोला है। ओके, ठीक है ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। 3 महीने सुबह मैं सुदर्शन क्रिया हूँ और प्राणायाम मतलब रोज ही, और फिर मेरा जॉब है सुबह में, मतलब मेरा टाइम है 6:30 से 7, लेकिन ऐसा रेगुलर कुछ भी नहीं है, कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, कुछ भी मतलब रेगुलर नहीं है, सोना भी रेगुलर नहीं है, 11 बजे 12 बजे ऐसा होता है। तो और बताइए ना पूरा अपना सुबह उठ करके क्या क्या किया अपना पूरा बताइए। हाँ, फिर कुछ काम होता है घर का, फिर जॉब है तो सुबह 9:30 बजे जॉब के लिए निकल जाती हूँ और 6 बजे करके जाते फिर से। जी, ब्रेकफास्ट करके मतलब कुछ खा कर जाते हैं आप अपने? ब्रेकफास्ट उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, खाने में सुबह ब्रेकफास्ट और दोपहर को लंच और फिर रात को डिनर, वो रेगुलर होता है। चाय पीती है मैम? कभी चाय पीती है? दूध वाली चाय? दूध पीती हूँ, चाय नहीं पीती। और ब्रेकफास्ट और दूध के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, टाइम डिफरेंस? साथ में ही होता है। ओके, ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेती है नॉर्मली? नॉर्मली अभी तो मतलब रोटी सब्जी होता है, नॉर्मली यही होता है। अच्छा, रोटी सब्जी पोहा होता है। ओके, रोटी सब्जी पोहा वगैरह, उसके साथ आप दूध लेती हैं। ओके जी, तो मैम आपको भूख लगी होती है कि बस टाइम हो गया तो आप खा लेते हैं? नहीं, कभी कभी टाइम होता है, कभी कभी नहीं होता है, ऐसा चलता है। नहीं मतलब भूख नहीं कभी लगी होती, कभी नहीं लगी होती है ना? नहीं नेटवर्क इश्यू, नीता बेन नेटवर्क इश्यू आवे छे। हाँ हवे बोलो, हवे संभळा छे। ओके, भूख बराबर से लगती है और आप टाइम से खा लेते हो, ऐसा है? हाँ, मतलब बीच में जो 6 महीने मैंने दवाई ली ना तभी कोई इश्यू नहीं था, दिसंबर से मई में बहुत कम हो गया था तो वो भूख रेगुलर लगती थी अच्छे से। फिर ये जब शुरू हुआ, दूसरी दवाई शुरू की तो उससे थोड़ा मतलब हैवीनेस रहता था और फिर थोड़ा मतलब अभी दूसरी दवाई मतलब आपने एलोपैथी दवाई जो स्टार्ट की? एलोपैथी तो अभी स्टार्ट की, 2 दिन हुए हैं तो उससे तो अच्छा है।
लेकिन बीच में जो आयुर्वेदिक दवा ली थी ना तो वो थोड़ा हैवी हैवी रहता था बहुत। आपको कुछ नाम वगैरह पता है उनके मेडिसिन के? नाम तो नहीं पता है। ओके ठीक है कोई बात नहीं। सुबह उठ के पानी पीते हो मैम? उठते ही तो नहीं पीते, डायरेक्ट नाश्ता ही कर लेते हो, रोटी सब्जी वाला? हाँ, दूध के साथ। हाँ, ओके। ये भी तो एक विरुद्ध आहार है और सालों से कर रहे हैं तो दैट में भी आल्सो कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रॉइड। यस मैम। ठीक है आगे बताइए, पेट में दर्द होना कब से शुरू हो रहा है आपको, मतलब ये चॉकलेट से इससे पहले भी था या फिर बाद में ही कंटिन्यू स्टार्ट हुआ? हाँ वो ऑपरेशन के बाद हुआ है, पहले महीने में एक बार हो जाता था गैस जैसा, बहुत ही पेन करता था तो फिर फैमिली डॉक्टर से दवाई ले लेते थे तो वो ठीक हो जाता था, फिर उन्होंने बोला कि ये कुछ अलग है तो आप किसी और को दिखाइए, फिर आयुर्वेदिक दवा जब शुरू की तो उससे ठीक हुआ, लेकिन फिर वो 6 महीने के बाद फिर जो जब मैंने डॉक्टर चेंज किया तो फिर वो लोअर वैली में कभी कभी पेन, मतलब थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता था, और बीच में भी हुआ था वो दिसंबर से मई में भी कभी कभी ऐसा हुआ था कि 2 दिन 3 दिन तक वो लोअर वैली में पेन रहता था तो। ओके ठीक है ठीक है, किसी और को कुछ क्वेश्चंस पूछने तो पूछ लीजिए फिर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते। लंच में क्या खाते हो मैम? लंच में रोटी सब्जी और राइस, दाल राइस। अच्छा, और ये करदा स्प्राउटेड वगैरह खाते हो जी? स्प्राउटेड जो सब्जी होती है ना, मटकी वगैरह क्या बोलते हैं मैम आप उसको? कठोल, कठोल, मणगावेला कठोल। हाँ, नहीं वो जो स्प्राउट करके बनाते हो जो, हाँ अंकुरित, अंकुरित वाला। हाँ, खाते हैं। अच्छा, और ये राजमा छोला चना? हाँ, राजमा भी खाते हैं, चना खाते हैं। ये मतलब हफ्ते में कितनी बार हो जाता है राजमा छोला चना की सब्जी? 2 बार तो 2-3 बार हो जाता है। अच्छा, खाने के बाद तुरंत पानी पी लें? लंच में क्या होता है हम शेयर करते हैं, लंच में शेयर होता है सब। अच्छा, सब टीचर्स मिलके खाते होंगे साथ में? हाँ ओके, तो वो थोड़ा बहुत आता ही होगा किसी ना किसी के टिफिन में तो होता ही होगा। ओके, और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हो थोड़ी देर रुक के 1-2 घंटे से या तुरंत? हाँ दवाई लेना होता है तो तुरंत पी लेते हो। बीच में मैंने ऐसा किया था बहुत टाइम कि मतलब जो योगा के कोर्स में बताया था कि तुरंत पानी नहीं पीना था तो वो मैंने बहुत टाइम तक फॉलो किया था लेकिन फिर अभी छूट गया तो 3 साल। एक बार आपकी टंग बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत वाइट है, बहुत पॉटेंट नाम है, बहुत थायराइड चेक कराया है आपने कभी? नहीं कराया। ओके, और मैम आप पानी की बोतल साथ में लेके जाते होंगे आप स्कूल में? जी, पानी ऊपर से पीते हो बोतल से या मुंह लगा के पीते हो डायरेक्ट? कभी कभी ऊपर से पी लेते हैं, कभी मुंह लगा के भी पीते हैं। अच्छा, मुंह लगा के ही पीना है अब से आपको, और हाँ ऊपर से नहीं पीजिए, और खाने के बाद तुरंत मत पीजिए, कम से कम 1 घंटा ऐसे गैप रखिए। ओके, बहुत प्यास लगी तो गर्म पानी जी, दवाई जो लेनी है। अच्छा ठीक है, दवाई के लिए जो 2 घूंट जितना लगता है बस उतना, ज्यादा नहीं है ना? ओके, और बॉटल में गुनगुना पानी भर के रख सकती है, ठीक है? हाँ, एक बॉटल में जो इंसुलेटेड आती है उसमें। 6 महीने तक किया था वो। ओके, वही करना है आगे भी, वही करना है। HB कितना है इनका? मई में कराया था तो वो 10 था, अभी नहीं कर रहा, क्योंकि आपके जो लिप्स है मैम वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ब्लड लेवल बहुत कम है। हाँ। और आंखों में भी जो डार्क सर्कल है वो बता रहा है आपका टेंशन ज्यादा लेते हो हर बात पर, है ना? वो है, स्ट्रेस तो रहता ही है अब आपकी आंखें नहीं है स्ट्रेस। देखो मैम, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, अगर आप बहुत फायदे से सोचेंगे ना तो किसी की जिंदगी स्मूथ नहीं, क्योंकि एक सांस आएगी तो उसके पहले घर मतलब नेचर ने रूल बनाया कि जाएगी तब वो आएगी, नेचर के बहुत सारे रूल्स है। हाँ। और हर किसी की लाइफ में इफ एंड बट है, बट क्या होता है कि उन सारे इफ एंड बट से निकलना या उन सारे इफ एंड बट को मतलब टैकल करना भी हमारी ड्यूटी है इफ यू आर अ टीचर। और अगर आप बहुत पॉजिटिव नहीं होगे, बहुत अंदर से वो नहीं होगे ना, तो आप कहीं ना कहीं, जैसे हम डॉक्टर हैं, अगर हम बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं से पेशेंट में वो चीज हम डाल देंगे,
और इसी तरीके से हम अंदर से परेशान रहेंगे तो बहुत, अगर हम क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम जो रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने मूड के होता है, अगर हम अंदर से बहुत कूल काम है तो कुछ हो भी गया तो भी हम कब डांटते हैं, और अगर अंदर से कुल काम नहीं थी, एक मौका नहीं मिला कि हम बिफर पढ़ते हैं, तो चूंकि आप तो टीचर हो, टीचर तो सबसे बड़ा चीज होता है ना ये, आप इस मतलब कहते हैं ना देश का निर्माण करता है टीचर, तो टीचर को तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी थोड़ा सा अपने आप पर काम बहुत ज्यादा करो आप, ठीक है। अभी अंजना मैम भी आएंगे और एक बहुत अच्छा हमारा जो बहुत सारे लोग का बड़ा सा पैनल है, पूरा ओपिनियन के बाद आपको बताया जाएगा, लेकिन तब तक मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ आशा मैम आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन चलाएंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो सारी चीजें हैं, बट उसके अलावा आपको मेंटली अपने आप को बहुत साउंड रखना है, क्योंकि आप ये समझो कि कई बार कुछ लोग की कैंसर वाली चीजें तक ठीक हो जाती है सिर्फ उनके विल पावर के दम पर, मेडिसिन चलती है नो डाउट, बट ये जो धुआं वाला पार्ट है जो हमारा मेंटल लेवल है ना ये बहुत काम करता है। ये जो अभी तीन दिन से स्ट्रेस ज्यादा, हाँ वो अभी तीन दिन से ज्यादा बढ़ गया है, जब से रिपोर्ट देखे है ना तो वो इसलिए तो रिपोर्ट देखना ही नहीं है। मैं आपको बताऊ मेरे को जब कोरोना हुआ था सबने बोल दिया, सारे सर्कल्स ने बोल दिया, सारे दोस्तों ने बोल दिया, 15 दिन बाद चूंकि घर में लास्ट में सबको जब हो गया ना मतलब मेरे बाद, तो हर किसी ने कहा तुमने कोरोना फैलाया, मैंने सिर्फ इसलिए टेस्ट नहीं करा, मैंने कहा पॉजिटिव आ गया तो सोच कर पंगा जरूर हो जाता है, और एक तो ऐसे ही पड़े तो 4 दिन पड़े रहे, उस 4 दिन में 7 टाइम लंघन किया, मतलब कि शायद एक दिन कुछ खाया था, और 7 डेज पूरा लंघन किया, और लंघन करके ही ठीक हो गए। मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई पीसीएम ली थी, ठीक है मास्टर दर्शन घर बटी ली थी भाई, अपनी त्रिभुवन कीर्ति ली थी, बट फीवर का ये लेवल था कि जब फीवर आता था तो मुझे होश नहीं रहता था, जब वो उतर जाता था तब मैं किसी से कहती थी मुझे पानी नहीं दे दो, इतना इस लेवल का मतलब फीवर होता था। मैं पड़ी हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे कितने घंटे बीत गए, उसी टाइम में एडीएफ जिस पर आप अटैच हुए वो मेरी लाइफ में आया है, क्योंकि एक दिन बोर हो रही थी कुछ हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा लाओ कुछ सुन ही लिया जाए तो पढ़ने की हिम्मत तो है नहीं, मीन्स कहने का है कि कभी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं आपको अभी शेयर करूं मेरे अभी बाल बहुत ज्यादा झड़े थे, तो लोगों से मैंने पूछा, फिर बाद में मुझे याद है कि ऐसे पेशेंट्स को मैंने हैंडल किया था, कोरोना के पेशेंट्स आए थे कि मैम बहुत हेयर लॉस हो गया, तो जब मेरा अभी इधर बहुत हेयर लॉस हुआ था तो मुझे याद है कि अच्छा मेरे कोरोना के पेशेंट को भी तो हेयर लॉस ऐसे बहुत हुआ था, तो उसमें बहुत पैनिक होने से नहीं, तुरंत फिर मैंने सोचा चलो नस से लेते हैं आराम आ जाएगा, थोड़ा आराम आया फिर हमने इरेगुलरिटी कर दी, प्रॉपरली नहीं लिया। मेरा कहने का मतलब है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहो, बहुत ज्यादा काम करो, शिवानी जी को सुना करो, शिवानी जी क्या बोलते हैं कि अगर गाली दे करके आप शांत रह सकते हो तो गाली दो, इट मीन्स कि आपको पहले खुशी लगने के लिए, हम और आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो समझदार है कि मैं क्या करना चाहिए, बट उसको अंदर से होना चाहिए, तो जब आप उतना पॉजिटिव रहेंगे ना तो ये जो आंखें भी आपकी 15 दिन में बदल जाएंगी। अगर मेरे सोचने से मेरी कोई रिपोर्ट ठीक हो जाती, अगर मेरे स्ट्रेस लेने से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती, तो मैं अपने गायनी के पेशेंट को कहती थी आज से 10 साल पहले, मैंने कहा फिर केजी के हिसाब से मैं बताती भाई इतना स्ट्रेस लो ये ठीक होगा, इतना स्ट्रेस लो ये ठीक होगा, बट ऐसा कुछ सिस्टम बना नहीं, बल्कि ये होता है कि इतना लोगे तो इतना बढ़ेगा, इतना लोगे तो इतना बढ़ेगा, उल्टा बनाया है ऊपर वाले ने, और सारा जो आपका हेल्थ है ना एक्चुअली हेल्थ भले यहाँ एग्जिस्ट करता है, इज इट ओके, तो सारा सब कुछ ओके है। ठीक है मैम, तो खाने में करो, मुद्राएं करो, जो कार्डियक मुद्रा होती है उससे बड़ा हार्ट को ताकत मिलती है, सिंपली कुछ नहीं करना होता है, ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है तर्जनी को उसको अंगूठे के मूल में लगाना होता है, सेकेंड थर्ड फिंगर के टिप को अंगूठे से टच करना होता है, और यूं रहते हैं मतलब हमेशा पैरेलल टू द स्काई होता है, आप अपना चाहे सुखासन पद्मासन किसी में बैठिए तो थोड़ी सी उससे ताकत मिलेगी। अभी मैम आपको बताएंगे शुरू पिछू वगैरह करिए, मतलब यहाँ पर अच्छे अच्छा सा ऑयल रखिए, रात को सोते 5 मिनट ही अपने पैर के तलवों में मालिश वालिश करिए, थोड़ा सा नाभि पूरण करिए कैस्टर ऑयल से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छी अच्छी चीजें देखो, जैसे बहुत पहले मैं कपिल शर्मा के देख देख कर हंसती थी, जो भी हंसने वाले जितनी चीजें होती है उनको देखो, और एक यूएस का बंदा है मुझे नाम नहीं पता है, इज अ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, आई थिंक कि उनके शायद पैर भी बहुत छोटे से हैं, शायद कि नहीं पैर बहुत छोटे हैं ही नहीं लगभग आप तरीके से कर सकते हो, बट वो सब कुछ करता है, बिलीनियर है बंदा, कमाता भी दबा करके है, उसका नाम लीक है, मैंने देखा है हाँ शायद, ठीक है, तो आप ऐसे लोग को सोचो, अरे अभी मैम रिसेंटली एक बच्चे का वीडियो देखा तो उसके दोनों हाथ नहीं थे शायद, आधे आधे बिल्कुल नहीं थे, और तब पर भी वो कैसे करके स्पून लगाकर खा रहा था, एंड ही वाज हार्डली 10 ईयर ऐसे भी छोटा बच्चा था,
और जो उसका दिखा रहा था सोशल स्टेटस सुन करके, वो मुझे नहीं लग रहा था किसी अमीर के घर का बच्चा, मतलब कि उसको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो आप इन सारे लोग को देखा करो। बोलते गांधी जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कहते ना जब भगवान मुड़ो तो अपने बहुत ऊंचे को देखो, और जब आपके अंदर बहुत डिप्रेशन आए तो अपने बहुत लो लेवल के लोगों को देखो। लो लेवल तो मैं कहती हूँ जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप उनको देखो, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड होना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक सी चीज होती है। एटलीस्ट परमात्मा ने हमें दोनों हाथ दोनों पैर दे रखे, हमारा दिमाग काम दे कर रहा है, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। तो जो लोग को परमात्मा ने ये चीजें नहीं दे रखी हैं कहीं भी, या कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले ने दे रखा था बट एक्सीडेंट में उनके चले गए हैं, है ना। जैसे जॉन मिल्टन की स्टोरी याद होगी, प्लस टू में अगर आपने पढ़ा होगा, हमारे टाइम में तो प्लस टू में था, तो जॉन मिल्टन के साथ था कि जॉन किट्स के साथ है, मुझे सही से नहीं याद है, आप टीचर हो तो आपको ज्यादा पता होगा, कि आफ्टर 40 उनकी सडन आई लॉस हो गया था, विजन लॉस, है ना। तो या तो मोस्ट ऑफली मिल्टन का है, किट्स का होगा तो मुझे नहीं याद है। तो 40 के बाद भी, लेकिन तब पर भी उन्होंने सोचा, और उसके बाद भी उनकी सारी पोएम लिखी गई है। आप खुद सोचो कि अचानक आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और फिर आप उसके बाद जिंदगी जीते हो और उस नजरिए से, मतलब उन नजरों से दुनिया देखते हो, मतलब बंद आंखों से भी दुनिया देखी जाती है। तो ऐसे से मेरे मतलब हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ह्यूमंस ने खुद ही इतना कुछ करके रखा हुआ है कि आप इन चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो टीचर हो तो पहले अंदर से पॉजिटिव हो जाओ, फिर तो ठीक हो ही जाओगे। और अगर अंदर से नहीं पॉजिटिव है ना, तो सर्जरी के बाद भी 10 कॉम्प्लिकेशन इकट्ठा होते हैं। सर्जरी बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। आई वांट टू ऐड वन थिंग, शी इज आल्सो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड वो आकाशवाणी पे म्यूजिक के लिए काम भी कर चुकी है। तो म्यूजिक बहुत रिलैक्सेशन होता है मैम, रागा गाया करिए अलग अलग टाइम के। मैम अभी क्या है कि ये प्रॉब्लम इतनी है कि मैं ट्रीटमेंट करवाऊं या फिर ये सब करूं, मतलब अभी म्यूजिक नहीं, नहीं वो आपको हेल्प करेगा। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे मैं लेडी हूँ, ठीक है, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ, मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम मैं कुछ अपना एजुकेशनल कंटेंट वाला वीडियो सुनती हूँ। जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ कुछ और सुनती हूँ। जिस दिन बिल्कुल लगता है यार मूड एग्जॉस्ट हो चुका है, तब नुसरत फतेह अली खान या कोई भी दवा करके, मतलब मैं भी क्लासिकल के शौकीन हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, फिर वो बजते हैं अच्छे से घर वालों को, है ना। और क्लासिकल तो आपका वैसे ही बहुत रिलैक्सिंग है मैम, आप काम करते हो सुनो, आप नहाते हो सुनो, एटलीस्ट कुछ काम तो इंसान करता ही है, ब्रश कर रहे हो, नहा धो रहे हो, किचन में खाना कुछ बना रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उस वक्त उस तरह के, मुझे राग का आइडिया नहीं कौन सा राग किस टाइम के लिए सुनना होता है, आप वो सिलेक्ट करके सुनिए और फिर देखिए, ठीक है। ये टाइम वाला एक्सक्यूज नहीं देना, विवेकानंद ने बोला ना अगर टाइम कम है इट मीन्स कि हम व्यस्त नहीं है, विवेकानंद की शायद कलाम साहब ने बोला था हम अस्त व्यस्त हैं, यू आर अ टीचर, ठीक है, नो डाउट बहुत काम होता है, इंसान काम करता है ना तभी ठीक भी रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आप बहुत बिजी हो तो ब्लेस्ड मानो कि ऊपर वाले ने काम दे रखा है। जी जी, है ना मैम, ओके पक्का। शशि मैम टाइम हो रहा है, हाँ जी मैम, टाइम हो गया, सेशन बंद कर दूं? जी जी सर, कल डिस्कस कर लेंगे, कल सुबह कर सकते हैं नहीं तो कल शाम को, क्योंकि टाइम हो गया। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू शशि मैम, ट्रैवल कर रहा हूं पर जा रहा हूं। और नीता जी, जी जी प्लीज, ठीक है जी, ओके सर प्लीज आप बंद कर दीजिए। हर्षिया मैडम आप होस्ट हैं, आपको एंड करना पड़ेगा। अच्छा सर, ओके ओके सर।